नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में। यह एक चैटिंग करने का प्लेटफॉर्म है जहां आप चैट के जरिए अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। ये कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसको यूज़ किया जाए और कुछ हम इससे पूछ करके भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले आपको openai.com अपने ब्राउज़र में ये वेबसाइट को खोलना है, openai.com टाइप करके, जैसा कि मैंने खोला हुआ है। इस वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, पॉज वीडियो, और इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया ट्राई चैट जीपीटी पे। अब एक सामने पेज आ गया है, वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विद योर ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। हमें लॉग इन करना है अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है, अगर पहले से बना हुआ नहीं है तो हम साइन अप करेंगे। साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना टाइप करना पड़ेगा। नीचे लिखा है कंटिन्यू विद गूगल, गूगल अकाउंट आपका होगा ही, जीमेल आईडी तो होगी ही, तो जीमेल के थ्रू भी अगर आप पहले से लॉग इन है गूगल पर तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी, कंटिन्यू किया, क्लिक। अब यह हमसे कहता है कि पासवर्ड आप कोई अपना सेलेक्ट कीजिए। तो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, एटलीस्ट 8 करेक्टर के पासवर्ड होने चाहिए, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा कि आप रोबोट नहीं है, चैटबोट नहीं है, आप ह्यूमन है। यहाँ पे टिक कर दिया हमने। अब इन्होंने वेरीफाई कर लिया कि हम ह्यूमन हैं। इसके बाद हमने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उस पर ये एक मेल भेजते हैं एक्टिवेट करने के लिए, वेरीफाई अपने मेल को वेरीफाई करने के लिए। तो मैंने ओपन जीमेल पे क्लिक किया है, यहाँ से मेरा जीमेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन एआई का मेल आया हुआ है, ओपन एआई, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, वेरीफाई ईमेल एड्रेस मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें अपने बारे में बताना है, मैं अपना नाम इनको बता रहा हूँ। कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर उस पर व्हाट्सएप है, ये पूछ रहा है कि आपके पे व्हाट्सएप है, अगर नहीं है, वैसे तो है, नो करके देखता हूँ क्या करते हैं। सेंड कोड वाया एसएमएस, अगर व्हाट्सएप है तो सेंड कोड वाया व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन क्लिक करता हूँ।
मेरे मोबाइल पर कोड आ चुका है 69। अब ये इसको वेरीफाई करेगा। चैट जीपीटी, दिस इज अ फ्री रिसर्च ओवरव्यू, ये अपने बारे में बता रहे हैं। हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, डन। यहाँ पे अब चैट बॉक्स हमारे पास आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी जो लिमिटेड नॉलेज है 2021 के बाद दुनिया के बारे में, तो 2021 से पहले की घटना के बारे में इनसे पूछते हैं। पहले हेलो करते हैं, हेलो, उनका जवाब आया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब हम हिंदी में लिखते हैं, कैसे हैं आप, मैं एक एआई मॉडल हूँ इसलिए मुझे न तो कोई आराम या तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। थोड़ा इसको जूम करके देखता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ सके कैसी इंटरेस्टिंग बातें होती, कैसे आप लिखा था। अब भोजपुरी में लिख के देते का हाल बा, ये नहीं समझ पाए, इन्होंने वही लिखा मैं एक एआई मॉडल हूँ इसलिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, इन्होंने जवाब दिया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 2023 तक श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और फिर से 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये तो हुई जनरल नॉलेज की बात। इनसे पूछते हैं कि चैट जीपीटी क्या होता है। अभी अपने बारे में बता रहे, चैट जीटीपी एक एआई बेस्ड चैट बोट है जो ओपन एआई द्वारा। अब हम इनसे ये पूछते हैं, मेरा शहर है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में घूमने की जगह बताइए। आप तो गूगल में वैसे भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ अभी प्रसिद्ध स्थलों के नाम बता रहे, जानकी मंदिर, हरि मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, जबकि ये पंथ पाकर सीतामढ़ी में है, देवकुली भी सीतामढ़ी में है। ये पांच जगहों के नाम इन्होंने बताए, हरि मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, जानकी मंदिर, पंथ पाकर, देवकुली, जिसमें से मैं तीन के बारे में श्योर हूँ, जानकी मंदिर, पंथ पाकर और देवकुली के बारे में। ये तो हुई जनरल नॉलेज की बात। अब हम इनसे पूछते हैं कि 5000 mAh का मोबाइल बताइए, 5000 mAh बैटरी की। अब इन्होंने बताया है आजकल बहुत सारे मोबाइल फोन्स 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑप्शन है Redmi 9 Power, Poco M3, सैमसंग गैलेक्सी, रियलमी के नाम बताए। अब मैं इसका प्राइस पूछता हूँ, मोटरोला मोटो G30, मोटरोला G30 का दाम बताइए। मोटरोला G30 के अलग अलग देशों में अलग अलग रिटेलर हैं। भारत में पूछते हैं भारत में क्या है, 14,999 से लेकर के 15,999 से। ये रेट उन्होंने बताया है। इस तरह से हम इनसे सवाल कर सकते हैं और ये जवाब देंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा है कई भाषाओं को सपोर्ट करता है ये। जैसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखने लगा है। अब एक बार हम हिंदी फॉन्ट यूज करके देखते हैं कि क्या बताता है। नमस्कार लिख के भेजता हूँ इसको,
क्या ये हिंदी फोंट में लिख पाता है। नमस्ते, आपका स्वागत है, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन बताइए। दिल्ली से पटना के लिए कई ट्रेन हैं, यहाँ कुछ उनमें से प्रमुख ट्रेनों के नाम दिए गए हैं जो रोज़ाना दिल्ली से पटना जाती हैं। ट्रेनों के नाम बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं। अगर ये लिखते जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि बीच में इनको रोक दो, तो यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, स्टॉप हो जाएगा। अब आप अपने सवाल लिखिए, उनसे जवाब पाइए। रीजनरेट करने के लिए कहना है, आगे बढ़ने के लिए रीजनरेट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि चैट जीपीटी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं। आगे भी हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल और उसके जवाब इनसे प्राप्त करके आपको हम दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।